29 साल पुराने आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी की किडनैपिंग और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि वो सैनी को राहत देगा क्योंकि ये 30 साल पुराना केस है। पंजाब सरकार ने इसका विरोध किया है। मामला 1991 का है, जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी हुआ करते थे। 1991 में उन पर एक आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे और सैनी खुद भी घायल हो गए थे। उस केस के संबंध में पुलिस ने सैनी के आदेश पर पूर्व आईएएस अधिकारी दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब पुलिस ने दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे बलवंत सिंह को हिरासत में रखा और फिर बाद में कहा गया कि वो पुलिस हिरासत से भाग गया है। इसके बाद मुल्तानी के परिवार ने आरोप लगाया कि बलवंत की पुलिस प्रताड़ना की वजह से मौत हुई है। साल 2008 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर चंडीगढ़ सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की, जिसके बाद 2008 में ही सीबीआई ने सैनी के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।